नहीं उस वे वो जो हिंदू ने वो कोई चिब है। अच्छा चिब ही है ज्यादातर राजपूत खवाते हैं चिब विच कोई घर है ये सिखा दे जो जट खवाते हैं मतलब जट ते त्रै चार खून पहले नंबर ते है पीर खूह बौली उस तो नंबर किला पठाड़ हा जिथे किला है ना उहदे नाल खूह है हिंदू जिहड़े जट चिब लोग है ना वो मनते हैं उन्होंने आवना है उन्होंने जनाब अपना जो कोई मन मन्नत मन्नी है बकरे चाढ़ते हे आन के बकरे शकरे तो खाते तो है को नहीं तो उन्हें हलवा शलवा बनाना अपना आन के कड़ा बनाने तो वो जनाब उत्थे खा पी के अपना शुगर मेला करके तो अजाना तो बाद उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। तो सीन कुछ ऐसे है जी अज तुहानू असी विजिट करान लगे हाँ पिंड हंदोवाल आजाद कश्मीर का यह पिंड है हंदोवाल जिदे नाल ही जनाब मेरा जट्टां दे इलाके लगते हैं तो इस टाइम असी हंदोवाल पिंड खलोते हैं। दूसरा जेडे व्यूअर्स नवे आ रहे हो काइंडली यार चैनल नूं सबसक्राइब करा करो तो वीडियो शेयर भी नाल कर दिया करो तो इस टाइम असी खलोते हैं जी हंदोवाल पिंड है जिहड़ा तुसीं वेख रहे हो ते पिछले व्लॉग च तुहानू पीर मोहला विखाया सी उहदे नाल ही उपर जा करके पिंड आउंदा हंदोवाल ते इह जी हंदोवाल है इहदे नाल जनाब है उपर नॉर्थ वाली साइड है बटाला शुरू हो जाता है ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਬ ਸ਼ੰਬ ਵਾਵਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਰਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਹੰਦੋਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਹੰਦੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਹੰਦੋਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉੱਪਰਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਪੜ पुराने वक्ता दे जेड़े बुजुर्ग है मतलब इत्थे दबदे दुबदे रहे साडी होश तों पहलां साई बुद्धू ने इह तां मेरी होश दी गल दा कल दी गल है इन्हें शादी शुदी कोई नहीं कीती बाबे रब इसे तरह तो वो फिर उन्होंने दसदा हुंदा कि जदों मेरी मौत हुई ना जी तो मेरा दरबार मेरी कबर इत्थे कढ़नी वो फिर इत्थे कबर कढ़ी वो फिर बाहर वाली मिलदे ने जराल वो पिछू है और राज मियां होरे उन्होंने वो इन्ने मन्नतादार है उन्होंने कोल आंदे जांदे रहिंदे हे वो फिर उन्होंने इहदा दरबार शिरबार इत्थे बना छड़िया ते उदों पहले ही जिहड़ी दरबार वो किस नाम पर जी जिहड़ी पहले उहदा नाम पीर भोला करके आखदे ने अगर अल्लाह जानता है वो साड़ी होश तो पहला दी है कि जमाने की है कोई इतने महाजर जड़े ने थोड़े ने असी बसरी की इतने रहने वाले हैं असी पिछले स्पटाले के रहने वाले हैं अच्छा हाँ 47 तो पहला असी इतने रहने वाले साडा प्यो दादा जरा 47 तो पहला इतने रेंदे रहे हैं पहला कड़ी जगह रेंदे रहे पहला असी पतेड़ियां छप्पड़ रेंदे रहे पतेड़ियां छप्पड़ हाँ ठीक है नहीं हूँ उस दौर का जोड़ा बजुर्ग है ना वो कोई भी नहीं हूँ जितने भी आए ये सब महाजर ही ने नदान उम्र मां जी प्यो इन्हों मर गया फिर मां जी गर्न टुर गई उत्थे टुर गए बाबा बाना हुंदा है उहदे नाल फिर जो उधर गदर पै गया फिर आए तो फिर इन्हों नाम माजरां च भी हो गया ठीक है हरी सिंह का यह सानू नहीं पता भी हरी सिंह के वेले का है जो उस तू बाद उस तू पहला का बने लेकिन यह छप्पड़ जोड़ा ना ये अमर जमाने का हिंदुओं के दौर का ही बने पहले वक्त पानी होंगे को नहीं आता इन्नी फसली नहीं सट खाती तो ना मुसलमान भी जो कम कर सकते इन्नी कुरबानी नहीं देंगे हम 5 किले तो कुछ मरले का रकबा है अच्छा वह भी रौले ही पिछाया है 5 किले तो कुछ मरले इसका रकबा है ते जिदा जनाब मेरी हुण देख लो कितना गिराया गया मुसलमान इन्नी कुरबानी करते हैं मुसलमान तो नहीं एक मरसा एक सरसाई भी नहीं छड़दे केड़ियां कौमां रहिंदियां रहियां पहले तो पता होया 47 दा नहीं उस वेले वो जिहड़े हिंदू ने वो कोई चिब है अच्छा चिब ही है ज्यादातर
राजपूत खवांदे हे चिब। ठीक है। ये साढ़े बटाले जिन्ने भी है ना, ये साढ़े बजुर्ग दसते हैं कोई चिब ही है ज्यादा, तो बिच कोई घर है ये सिखां दे जिहड़े जट खवांदे हे मसलन जट। ठीक है। हाँ, वो पतले हे ते जिहड़े हैं ना आम राजे खवांदे हे वो ज्यादा जिहड़े हे वो चिब ही है। ठीक है। हाँ, पीर मोला पिछे दरबार तक ही है, इहदी कोई इनफॉर्मेशन होवे? पीर मोला भी जिहड़ा ने इह भी कोई पुराने वक्तां दा ही आ, ते है ये जिहड़े पीर मोले ये पिंडी वाले गुजर ने ना, ये इन्हां दा कोई बटका बाबा। ठीक है। ठीक है। ये पिंडी वाले जिहड़े महंदी होरी ना, ये इन्हां दा कोई बटका आया, वो आखदे ने कि साडे ही लड़ी विचों आ पुराना कोई बाबा साडा बजुर्ग है। ठीक है। जिहड़ा पीर मोंगा है, पीर मोंगा जिहड़ा वो अल्लाह जानदा किधर दी है ने ते किधर दे नहीं, वो जिस तरह दा असें सुनया सारे मेरे बजुर्ग यही गल दसते ने कि वो 47 तो पहला भी पहला जना पहले टाइम सुबह तो लैके शाम दियां कुफ्तां तक ये जिहड़े मुसलमान उत्थे मसलन अपनी मनता मुताबिक करते, ते उस तो बाद हिंदू जिहड़े जट चिब लोग हैं वो मनदे है, उन्होंने आवना है उन्होंने जनाब अपना जो कोई मन्नत मुन्नत मन्नी है बकरे चाढ़ते हे इतने आ बकरे शकरे तो खाते तो है को नहीं, तो उन्हें हलवा शलवा बनाना अपना आ कड़ा बनाने, तो वो जनाब इतने खा पी के अपना शुगर मेला करके तो अजाना तो बाद उन्होंने हिंदू अपना मनते हैं मुसलमान इधर अपना मुसलमान नहीं किया कुलियां लिया हो गए समझाइए। बाबा की बड़ी पुरानी हस्ती है, उंज है कि मेरी होश सन जंग लगे सन 71 वाला। ठीक। सन 71 वाला जंग जिहड़ा मेरी होश में मैं वाह को 10-12 साल का हाँ। अच्छा। तो उत्थे साडी फौज रहिंदी सी, इत्थे लंगर हा धुआं शुआं निकलदा रोटी पकांदे हन, तो ज्यादा ने बड़ी कोशिश की उत्थे गोले मारने की, लेकिन उत्थे दरबार के अदूद विच गोला नहीं कोई ठट्ठा ते ना ही कोई पट्टा। ठीक। कोई नुकसान नहीं होया उत्थे, बिल्कुल एक वाल जितना भी, इतनी पुरानी हस्ती है। ते बाकी यार दरबार है अल्लाह ताला ने चढ़दे पासे मल्ला बने गढ़ दसवीं तक स्कूल हा उस वक्त। अच्छा। अस्पताल हा उत्थे, ते मुसलमान भी उत्थे रहिंदे हे, ते जिहड़े काम शम करन वाले कोई लोहार कोई तरहान कोई दर्जी बस कोई ऐसावरे जट होरी ने जिहड़ी इह भी उत्थे दे रहण वाले ने, इह भी इत्थे बटाले दे रहण वाले, इह भी मुकामी ने, इह भी इत्थे रहण वाले ने। इहदा इक जिहड़ा चाचा है इहदा हर इक ताया हा उह बड़ा जवान हा बड़ा तगड़ा जवान हा भलवान हा 47 हाँ, तो उह 47 जिंदुआं ने मार छड़िया। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਕਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਕਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਜਿਤਨਾ ਚੈੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ। ਠੀਕ। ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਨ ਐਮ ਪੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂੰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ? ਕੋਟ ਜਾਂਬਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਬੋਲੀ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੂਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ, ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਸੱਟੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਪੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾ ਖੂਹ, ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਜਾਂ ਬੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਗੜੇ ਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਖੂਹ ਬੌਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਡ ਤੂਨ ਕੋਠੀ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਤੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਗਲਾਨਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਰਪੈਣ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 2-3 ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ
फिर असि निके निके होंगे जनाब खोतियां लैके जाना डब्बे फगड़े होने 5 किलो वाले जां एक मंडल होने इन्हां दा रस्सी बद्धी होनी एक बार लमकाना होती च एक बाल्टी एक घड़े च लटनी एक दुए च लटनी इस तरह करके घड़े चुक नहीं सकते उस वेले कैन शैन भी नहीं होंदे तो वह पानी इस तरह तरीके पानी लियाना तो फिर करद सहूलत हो गई फिर मोटर लागे पानी हूँ घरों घर हो गया तो मोटर लागे हूँ खूह की वैली जाती रही उसका खूह बड़ा ही टाप का खूह बनाया किसी त्रै चार खूह एक पहले नंबर ते है पीर खूह बौली उस तो नंबर किला पढ़ाड़ हा जिथे किला है ना उदे नाल खूह है पिंड दे विच किला पढ़ाड़ नहीं जिथे किला उत्थे पिंड दे विच खूह है इन्हां गंदे ने गंद सट सट के तो सत्यानाश कर छड़ी है। त्रीए नंबर वाला खूह थाने दे बूहे अगे है जिहड़ा बरनाले चौथे नंबर खूह जिहड़ा बरसाली है बरसाली बरसाली ओह वी बंद हो गया नहीं वो चलता है बरसाली वाला ठीक है खूह ते ये त्रै चार खूह ने जेड़े ये अमन जमाने के पुराने कदीमी पुराने कदीमी साढ़े बुजुर्ग दसते हैं जो उस वे भी लोगों ने तरीक तो जाना नवंबर तो जनाब टुरदियाँ जाना तो वह रोटियां पल्ले बधी होनी है तो जिते खूह आना उत्थे बह के तो फिर पानी का क्डना तो रोटी का ग्राह खा लेना रोड है कच्ची ही तो पुरानी राह रीत है ही गड्डिया छड़िया तो उस वे घट ही ना रोड़ा तो गड्डिया तो हूँ ही आई हैं ना उस वे कि गड्डिया या मेरे दौर में असं उस स्कूल पढ़ने हैं तो कोट जंबल तो शाह सवार बस एक आमदी कच्चा रोड हों ट्रांसपोर्ट शाह सवार बस एक ही आमदी एक फिर उन्हें कोट जंबल आना तो एक मीरपुर जाना बस इन्ना ही काम आता तो गुजरात वाली जी वान शरीफ ही खलोती ही अगर तो आमदी को नहीं तो जिन्हें किसी गुजरात जाना उन्हें वान शरीफ जाके गड्डी से बहना वान शरीफ मंडी ही बड़ी तगड़ा बाजार है बड़ी तगड़ी बाजार शजार एडा कोई नहीं वो मंडी ही मतलब मलका दी मंडी ही वो सौदा उन्हां दा आंदा हा लाले मुसियो लाले मुसियो आंदा हा वो ते ये जितने भी लोग हैं ना साडे इस इलाके दे ये सारे जनाब उत्थू किसी खोते दे किसी ऊंट दे किसी घोड़े दे इस तरह सौदा लिया वान शरीफ तो मेन मरकज रहा मतलब बाजार रहा कोई दिहाड़ी बड़ी ओरी मतलब बरनाला तो होंगे कख भी नहीं ना बरनाला तो एक साढ़े देहात ही ना उ कोई दुकान ना गल एक थाने की सिटी है ही बस होर कोई शहर लाल ही नहीं है ये छंब खास भी थोड़े कोई अपडेट होगी थोड़ी जी छंब की छंब खास अस्पताल भी है रोड भी है छंब जरा ना ये तो तेन दस सन 71 च आजाद होया आजाद होया तो छंब जरा ये मालूमात जी है ये उस वे मैं तुम दस हो रही है तो साढ़े तो फिर पहला का कम है ये जो असी बाद जो हो सन 71 की जंग लगी हो तो उस वे इतने कोई शैब नहीं लभी है ये फिर मुसलमाना ने इतने पुंछ दे आने के बाद होए ने जेडे गवर्नमेंट ने उन्होंने जगह जमूत दिखाई ने बाकी पहला हुंदियां दे वेले हो सकता है उत्थे होवे मोहम्मद अकबर इत्थे दे मकामी न बसनीक ने इन्होंने बड़ी इनफॉर्मेशन दी है जिहड़ी तुसी सुनी है ते ऐ जनाब चप्पड़ ऐ पिंड अंदोवाल तुसी वेख रहे हो ऐ सारे घर जनाब अंदोवाल दे ते ऐ जनाब एक दो ही दुकान है इत्थे होर बाजार है कोई नहीं चीज़ा उत्थों थल्लों ही लियांदे ने कोट जंबल तो नाल ही है जी कोट जंबल भी तो नाल ही दरबार भी है ये है जी दरबार इहदा बकायदा उर्स हुंदा है साल साल बाद साईं बुद्धू दे नां पर है दरबार तो इनफॉर्मेशन तुसी जनाब सुनी है पिछे बजुर्गों को तकरीबन इन्हां दिनां च ही आवन लगा तो वह भी तुहानू विखावांगे इत्थे जिहड़ा मेला हुंदा है कवाली हुंदी है बकायदा ऐ बूटा लगे है नाल कबरां भी हैं इत्थे ते ऐ दरबार ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੰਦੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਬਾਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਡੂੰਘੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਖੂਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹਨ ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਿਲਾ ਬਡਾਲ ਦਾ ਹਾ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਲੀ ਇਹ ਚਾਰ ਖੂਹ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਵਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
तो जमीन इतने खुलियां डुलियां तुम वेख रहे हो, कोई मकान नहीं अन्ने बने हैं, लेकिन जी जमीन है थोड़ी पथरीली, इतने पत्थर शुरू हो जाता है बजर आला पत्थर। ये हंदोवाल पिंड है, तो ये जनाब मगरब च पै जाए, बड़ाला छप्पड़ छन्नी ये इलाके पै जाते हैं, उपरली सैड जनाब मैरा जट्टा फरिश्तिया का बाग टांगरी ये इलाके पै जाते हैं, तो थले जनाब है साढ़े इलाके ने डूंगी पीर मोला कोड़ियामल, तो उपर जनाब चांदनी चौक के सरियाला छप्पड़ वो इलाके पैदे। तो तुम जनाब सपोर्ट करो काइंडली यार, चैनल लाजमी सबसक्राइब करा करो, तो वीडियो इनकी जड़िया ने शेयर करा करो। तो यह जी अज का विलाग साडा हंदोवाल, तो हूँ क्रिकेट टीम आ गई, मैं जाना मैच खेडन, तो मैच खेलने तो नैक्सट इंशाला असं तकेंगे कोई डूंगी का विलाग नैक्सट जेडन असं लैके आवेंगे। हूँ तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़। बस ठीक है सामने।